प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन पर्व की बधाई देते हुए कहा कि आज भाई बहन के अटूट अपार स्नेह का पर्व रक्षाबंधन है। हम सब इस त्यौहार पर आपस में स्नेह के साथ एकजुट होकर छत्तीसगढ़ की तरक्की और बेहतरी के लिए काम करेंगे। उन्होंने भाजपा के शुरू होने वाले सदस्यता अभियान को लेकर कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक और संवैधानिक पार्टी है। पार्टी के संविधान के अनुसार पार्टी की सदस्यता होती है, फिर संगठन के चुनाव भी होते हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। बैठक लेकर प्रदेश में सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा और इसको लेकर योजना बनाई जाएगी। डिप्टी सीएम साव ने यह भी कहा कि झारखंड की जनता हेमंत सोरेन की सरकार से परेशान है। हेमंत सोरेन की विदाई का समय आ गया है। जिस तरह उन्होंने झारखंड की जनता को दोनों हाथों से लूटा है, उसका झारखंड की जनता आपको करारा जवाब देगी। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, छत्तीसगढ़ में माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। आज भाई बहन के अटूट अपार स्नेह का पर्व आज रक्षाबंधन है। मैं प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सब इस पवित्र त्योहार पर आपस में स्नेह के साथ एकजुट होकर छत्तीसगढ़ की तरक्की और बेहतरी के लिए काम करेंगे। मैं सभी प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक और संवैधानिक पार्टी है। पार्टी के संविधान के अनुरूप नियमित अंतराल में पार्टी की सदस्यता होती है, फिर संगठन के चुनाव भी होते हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय किया है। राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर इसके लिए प्रभारी बनाए गए हैं और इस अभियान को लेकर प्रदेश स्तरीय बैठक होगी। बैठक में किस प्रकार से प्रदेश में सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा, इसको लेकर योजना बनेगी। देखिए, चंपई सोरेन जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं अपनी पार्टी में अपमानित महसूस कर रहा था, मेरी उपेक्षा हो रही थी। आज झारखंड की जनता जिस प्रकार से हेमंत सोरेन की सरकार से परेशान है, जिस प्रकार से झारखंड को दोनों हाथों से लूटने का काम हुआ है, जो भी झारखंड के हितैषी है, जो झारखंड का हित चाहते हैं, वो हेमंत सोरेन के साथ हो नहीं सकते। और इसलिए अपनी कमजोरी और अपनी कमियों का दोष दूसरों पर मढ़ना बंद करें हेमंत सोरेन जी, उनका विदाई का समय आ गया है। देखिए, सरकार ने माताओं और बहनों के सशक्तिकरण के लिए योजना बनाकर लगातार काम किया है और माताएं बहनें सशक्त बने, मजबूत बने, इसके लिए हमारी सरकार, केंद्र की माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार काम कर रही है। महतारी वंदन योजना भी उसी का हिस्सा है।